हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आपका हमारे चैनल द फोकस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास पे हम लोग आते हैं। हम लोग ने पहले पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, हम लोग एनालॉगी कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। छांटना, ठीक है। वर्गीकरण का पार्ट फर्स्ट हम लोग करेंगे यार। पहले डेफिनेशन जाने क्या होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन में साफ साफ कि वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है विजातीय छांटना। अर्थात विजातीय मतलब क्या होता है, जो सभी से अलग हो। से दो भाषा होता है ना, सजातीय विजातीय। सजातीय मतलब एक ही जात के या एक ही तरह के, ठीक है। और विजातीय मतलब अलग जो हो उन सबसे। तो विजातीय छांटना होता है इस चैप्टर में, अर्थात किसी समूह श्रेणी या वर्गो में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों अक्षरों या अंकों को अलग करना। यानी जो भी है समान गुण के हैं एक साथ उन्हें एक ग्रुप में कर देंगे और जो उस समूह को समूह में नहीं आता है बच जाता है उसको अलग कर देंगे। तो ये हमारा आंसर मिल जाता है, वो इकलौता रहता है। तो ये होता है वर्गीकरण, इसी सब जैसे होता है। फिर देखिए इसमें वर्णन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन भिन्न छाटिए, तो यही रहता है भिन्न छाटिए। तो दिया हुआ है प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि, इसमें कौन सा अलग हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम बता दें नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम। रात ऐसे होता तो रात नहीं आता, ज्यादातर सुबह दोपहर शाम होता है। और वैसे एक और रीजन हमारे पास है, जैसे रात्रि आंसर हो, रीजन इसमें एक और हो जाएगा कि ये सब जो है दिन के पहर है, जो भी है प्रातः दोपहर सायं ये सब दिन के पहर है और रात्रि जो है अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये सब है जो सन इसमें दिखाई देता, सूरज रहता है इन तीनों टाइम में, यहाँ हल्का रहता है ज्यादा या और यहाँ भी हल्का रहता है, लेकिन रात में बिल्कुल दिखाई देता, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, इसलिए ये अलग है। तो फ्रेंड्स आगे हम क्वेश्चन में करते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, अब डेफिनेशन के बाद कुछ हम इसके प्रकार वगैरह जान लेते हैं, वर्गीकरण कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण के प्रकार, पहला होता है शब्दों पर आधारित, यानी कुछ शब्द दिए तो उसमें छांटना रहता है। शब्दों पर आधारित वाला एग्जाम्पल हम करा चुके हैं, इसमें नहीं करा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ज्यादा समझा रहे हैं, क्वेश्चन ही करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और फिर है अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित यानी क्या, अल्फाबेट्स वगैरह दिए रहेंगे, ए बी सी डी कुछ दिए रहेंगे, उनमें कुछ पैटर्न वगैरह दिया रहेगा, तो तीन एक तरीके के रहेंगे, चौथा अलग रहेगा, या पांच ऑप्शन दिए चार एक तरीके होंगे तो एक अलग होगा, ठीक है। इसमें देखते कौन सा हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी सी लगातार है, प्लस वन प्लस वन, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है ये, और यहाँ भी प्लस टू प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू प्लस टू, यहाँ भी प्लस टू, यानी क्या है ये चारों जो है एक समूह के हैं, है ना। ये चारों जब एक समूह के हो जा रहे हैं तो पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर है क्योंकि सबसे अलग हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रकार क्या होता है, संख्याओं पर आधारित। तो संख्याओं पर आधारित देखिए भिन्न छाटी दिया हुआ है, यह है 169, 196, 255, 289। अब इसमें छाटेंगे कौन सा अलग है, ठीक है। तो कई लोग तो पहले चेक करते हैं सम विषम, ठीक है, इस पर देखेंगे अगर इस हिसाब से हमारा ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर देगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम ये देखते हैं सम विषम में, तो आप देख रहे हैं ये सम हो जा रहा है, बाकी सब विषम है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम केसेस में आंसर फॉलो करता है बोर्ड इसको, ठीक है। तो अभी कुछ दूसरा चीज हम देखेंगे, एक और हम देख रहे हैं ये सब जो है स्क्वायर है वर्ग किसी न किसी के, ये 13 का हो जा रहा है, ये 14 का हो जा रहा है, ये किसी का नहीं है, ये 17 का है, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जा रहा है। तो बोर्ड इसको ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है, और इसको कम फॉलो करता है। वैसे ऑब्जेक्शन करते कर सकते एग्जाम वगैरह में, अगर दोनों ऐसा केस मिल जाता है एक साथ तो आंसर तो यही होना ही चाहिए, बट बोर्ड ऑब्जेक्शन देखते यही फॉलो करता है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कंप्लीट रूल कुछ था ही नहीं, वैसे क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न छाटे सब कैसा क्वेश्चन बना दिए हैं। तो पहला दिया रिलेशन मध्य प्रदेश का भोपाल से, राजस्थान का अलवर से, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा का पणजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहले एनालॉगी में आप लोगों को बताए थे कि उसमें 60-70% क्वेश्चन जो होते हैं जीएस बेस्ड होते हैं, रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। इसमें भी लगभग मान के चलिए आप 30% क्वेश्चन जो है जीएस बेस्ड होते हैं, वही एनालॉगी टाइप के, राज्य राजधानी, देश राजधानी, देश मुद्रा, देश संसद, यही सब इसमें भी है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट 30% मार्क निकलते हैं, और एनालॉग में पूरा 60-70% वही था, ठीक है। तो पहला जो है राजधानी बेस्ड देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का भोपाल होता है, इसलिए सही है, इसको छोड़ दीजिए। राजस्थान का जो है क्या होता है, जयपुर होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है अलवर, इसलिए ये अलग हो गया। अभी
महाराष्ट्र का मुंबई होता ही है, गोवा का पणजी होता ही है, ये आपका अलग हो गया, बाकी तीनों राजधानी सही है दिया हुआ कॉम्बिनेशन, ये अलग हो गया, आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे सी डी ई एफ जी एच, लगातार पढ़ ले रहे हैं सी डी ई एफ जी एच, यहाँ कैसे देखते होता है क्या डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई एक्स, ये लगातार नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं अभी, एल एम एन ओ पी क्यू, ये लगातार हो जा रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर हो गया, लगातार नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे है डब्ल्यू एक्स वाई है तो जेड ए बी आना चाहिए ना कि वाई एक्स आना चाहिए, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखेंगे छियासी दो सौ तिरालीस सोलह चौंसठ चौंसठ एक सौ बानवे पच्चीस पचहत्तर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या नियम लग सकता है, पहले कुछ लोगों के दिमाग में जाता है स्क्वायर क्यूब ये सब चेक करें, तो चेक कर सकते हैं वैसे भी, उस नियम में देख लीजिए कुछ होता है नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड, तो उस नियम पे अगर हम जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा तीन में पावर चार आएगी तीन में पावर पाँच, वैसे कुछ खास मिलेगा नहीं, ये आपका हो जाएगा दो पे पावर चार और दो पे पावर छः, ये दो पे पावर छः ये नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऐसे अलग हो जा रही है, ये भी नहीं बनेगा इस रूप में और फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, इसमें अगर हम तीन का पूरा करते हैं कितना आ जाएगा, इसमें देख रहे हैं चार का पूरा करेंगे, इसमें आपका तीन का पूरा होगा, यहाँ भी तीन का पूरा होगा, तो तीन का पूरा तीन का पूरा तीन का पूरा ये सेम हो गए, इसमें केवल चार का पूरा और ये अलग हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखते हैं ई डी सी एम एल के एन पी आर एक्स डब्ल्यू बी, यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ सोचिए कितने का गैप है, यहाँ गैप नहीं है, बहुत इजी दिख रहा है, इसको उल्टा कर देना, सी डी ई हो जाएगा, के एल एम हो जाएगा, ये आपका आर पी एन ये नहीं बन पा रहा किसी भी रूल से, वी डब्ल्यू एक्स ये बन जा रहा है, यानी आपका आंसर हो गया, ये अलग हो गया सबसे, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एम टी एफ एस एल ई आर के वी यू एन जी, ये थोड़ा अलग है, बताइए कैसे होगा, सोचिए आप लोग, तो पहले तो सबका नंबर ही मालूम होना चाहिए किसका कितना होता है, ठीक है, तो एम का कितना होता है तेरह, टी का हो जाएगा बीस, एफ का छः, एस का आपका उन्नीस, एल का बारह, ई का पाँच, आर का अट्ठारह, ए का ग्यारह, डी का चार, यू का इक्कीस, एन का चौदह, जी का सात, तो आप देखेंगे सात 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 ऐड हो रहा है, सात प्लस सात हो रहा है चौदह हो जा रहा है, फिर प्लस सात हो रहा है इक्कीस हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है चार प्लस सात तो ग्यारह हो रहा है, प्लस सात फिर करके अठारह मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ये नियम यहाँ भी फॉलो हो रहा है, पाँच प्लस सात करेंगे बारह मिलेगा, बारह प्लस सात करेंगे उन्नीस मिलेगा, यहाँ पे बल्कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे छः प्लस चौदह होगा तब बीस आएगा और माइनस आठ करके तब फिर आएगा, यानी यहाँ पे आंसर सबसे अलग हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, छठवां बारह इक्कीस तेईस बत्तीस चौंतीस तिरालीस पचपन पैंसठ, अब यहाँ देख रहे हैं दो रूल से हमको एक ही आंसर मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिए पहले ये नियम, एक दो को दो एक लिख दिया उसी को पलट दिया, दो तीन को तीन दो लिख दिया, तीन चार को चार तीन लिख दिया, यहाँ पांच पांच को छह पांच लिखा अलग लिख दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से भी हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक दूसरा नियम भी है, यहाँ पे अंतर कितने का है नौ का, यहाँ पे भी नौ का, यहाँ पे भी नौ का, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर हो जा रहा है दस का, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा अलग हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां उनतीस इकतीस दो का गैप है, देखते से फॉलो करेंगे नियम, यहाँ पे भी दो का गैप है, यहाँ पे भी दो का गैप है, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, कोई क्वेश्चन चेंज करते हैं फ्रेंड्स, ये आंसर सेम हो जा रहा है, यही नियम लगेगा, तो यहाँ पे आठ का गैप हो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अलग हो जाएगा ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम हो जाते हैं, सारे सेम पैटर्न हो जाते हैं, चेंज किए गलत नोट कर लिए थे, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि आठ का गैप है, बाकी में दो दो के गैप है सभी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट चॉप स्लेट ट्रिप स्लाइड, इसमें कौन सा डिफरेंट है, ये भी आपका जीएस में लगभग है, इंग्लिश में क्या आपका तैयार रहेगा तभी हो पाएगा ये, तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका मीनिंग जानना पड़ेगा हिंदी में, चॉप मीन्स काटना होता है, स्लिप मीन्स भी काटना होता है, स्लाइस मीन्स भी काटना होता है, लेकिन ट्रिप मीन्स काटना नहीं होता, चाहे चहाना होता है इसी चीज़ों का, इसलिए आपका अलग क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज क्लास और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, थैंक यू।